ये सिलेंड्रिकल रबड़ है इसका हाइट गिवन है 4 सेंटीमीटर है और इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया है 16 सेंटीमीटर स्क्वायर और ऐसे चार है, शियर मॉडुलस भी गिवन है। फाइव हंड्रेड फोर्स लगाया साइडवेज तो कितना डिस्टेंस मूव करेगा। अब चार चार है रबड़ और टू 500 फोर्स लगाया तो सारी रबड़ मतलब इसको रोकेगा आगे जाने से, तो सारे रबड़ इस पे फोर्स लगाएगा अपोजिट डायरेक्शन में, या फिर एक रबड़ में कितना फोर्स लगेगा। 500 डिवाइड बाय 4 अच्छा दैट नहीं नहीं इज हाँ वन सर ट्वेंटी सर हो गया हो गया, वो मैं चार अच्छा वाला मल्टीप्लाई नहीं किया, चार है ना। हाँ सर फिर ठीक हो जाएगा, हो जाएगा। और किसी को कोई डाउट? सर पार्ट टू का फर्स्ट सेकंड का आंसर नहीं मैच कर रहा। रॉड है इसका लेंथ 1 मीटर है, इसका ये क्रॉस सेक्शन एरिया 10 सेंटीमीटर स्क्वायर है दोनों का सेम है। मैक्सिमम स्ट्रेस उनका सेम है। व्हाट इज द लेंथ ऑफ पोर्शन एक और रॉड है जिसका एरिया 10 सेंटीमीटर स्क्वायर है। ये रॉड 1 है और ये रॉड 2 है। बोला कि स्ट्रेन एनर्जी ऑफ रॉड 1 जो है 40% है स्ट्रेन एनर्जी ऑफ रॉड 2 और दोनों का मैक्सिमम स्ट्रेस सेम है। अब मान लेते हैं कि इस रॉड में एफ फोर्स लगाया हुआ है उसकी वजह से स्ट्रेस आ रहा है। इसका जो यहाँ पे जो मैक्सिमम स्ट्रेस आएगा वो ये पतले वाले रॉड का आएगा और वो आएगा F/5। अब ये जो मैक्सिमम स्ट्रेस है दूसरे वाले रॉड का भी सेम है, इस पे अगर 2F फोर्स लगाएंगे ना तब जाके इसका स्ट्रेस आएगा F/5, क्योंकि इसका स्ट्रेस हो जाएगा 2F/10 डेट इज F/5। तो मैक्सिमम स्ट्रेस सेम होने की वजह से इस रॉड में फोर्स लग रहा है तो इस रॉड में 2F लगना पड़ेगा, तभी मैक्सिमम स्ट्रेस सेम होगा। इसका लेंथ पूछा है, इसका लेंथ को एक्स मान लेते हैं तो ये लेंथ हो जाएगा 1 माइनस एक्स। इसका इसका स्ट्रेस को एक बार सिग्मा मान लेते हैं तो इसमें एरिया नीचे 2 आ रहा है तो इसका स्ट्रेस हो जाएगा σ/2 और इसका भी स्ट्रेस होगा सिग्मा, क्योंकि दोनों का मैक्सिमम स्ट्रेस सेम है। स्ट्रेन एनर्जी होता है हाफ इनटू स्ट्रेन
स्ट्रेन को लिख सकते हैं स्ट्रेस बाय गामा इनटू वॉल्यूम। तो हम लोग पहला वाला रॉड का स्ट्रेन एनर्जी निकालते हैं। अब जब स्ट्रेन एनर्जी निकालेंगे ना, ठीक है लिख देते हैं, तो हाफ वाला टर्म सेम है, हाफ वाला टर्म सेम है, गामा वाला टर्म सेम है, स्ट्रेस और वॉल्यूम वाला टर्म अलग है। तो इसका स्ट्रेस कितना है 1/4, स्ट्रेस का स्क्वायर है तो 1/4 हो जाएगा, और इसका वॉल्यूम कितना हो जाएगा 10 × x, प्लस इसका स्ट्रेस है 1 और इसका वॉल्यूम हो जाएगा 5 × 1 − x इज इक्वल टू 0.4 टाइम्स। इसका स्ट्रेस है 1 और इसका वॉल्यूम हो जाएगा 10 × 1। इसको सॉल्व करना है सर, ये मेरे को ना एक बार आप ये मैक्सिमम स्ट्रेस वाला समझा सकते हैं कि आपने क्या किया? हाँ मैं समझा दूंगा। आंसर क्या दिया हुआ है? आंसर देख के बताओ ना। हाँ सर यही है 40 cm। हाँ बताओ क्या बताना है? मैक्सिमम स्ट्रेस वाला, मान लो इसमें फोर्स एफ लगा तो इसका स्ट्रेस आएगा f/10, इसका स्ट्रेस आएगा f/5, और इसका फोर्स मान लो एफ डैश है तो इसका स्ट्रेस आएगा f/10। अब बोले कि मैक्सिमम स्ट्रेस दोनों रॉड का सेम है, तो इस रॉड का जो ये वाला स्ट्रेस है ये सबसे ज्यादा है और इस रॉड का जो यही स्ट्रेस है, तो ये दोनों को सेम कर दो, यहाँ से f′=2f आ जाएगा। और फिर ये आपने सिग्मा बाय टू वो स्ट्रेस ही है, स्ट्रेस का सिग्मल सिंबल सिग्मा होता है, तो मैक्सिम तो अभी हम किया ना ये वाला स्ट्रेस और ये वाला स्ट्रेस तो सेम है, और ये हमारा f/5 था और ये f/10 था, तो अगर इसको मैंने सिग्मा मान लिया तो ये सिग्मा बाय टू हो जाएगा। हाँ सर समझ गया समझ गया। और किसी को कोई डाउट? सर एक्सरसाइज 3 में डाउट है, एक्सरसाइज 3 का पार्ट 2 का, एक्सरसाइज 3 का पार्ट 2 का फोर्थ सर, पहले इसी का सेकंड सर। हाँ मैं एक्सरसाइज 2 पहले बता देता हूँ, एक्सरसाइज 3 बाद में बताता हूँ। The cross section of the body is given by this. Normal है। ये बार है, इसका cross sectional area धीरे धीरे बढ़ रहा है। क्रॉस सेक्शनल एरिया है 1 + x² / 100, पर एक्सिस बनाए ठीक है, वही यहाँ पे एलिमेंट लेंगे हम। इस एलिमेंट का हम लोग एक्सटेंशन निकालेंगे, इस एलिमेंट का एक्सटेंशन निकालने के लिए f = b x लगा देते हैं। f जो है वो 20 kN है,
के का मतलब हो जाएगा वाई ए बाय एल, तो वाई ए बाय एल इंटू डी एल मतलब इसका एलोंगेशन। यहाँ से हमारा डी आ जाएगा, कितना डीएल आ रहा है 10 dx अपॉन 100 प्लस x2। अब इसको हम इंटीग्रेट कर देंगे 0 से लेके, सर ये टैन इनवर्स में आएगा ना फिर? हाँ टेन इनवर्स में आएगा। आंसर क्या दिया हुआ है? वही तो 8 दिया है सर इन लोगों ने, बट टैन इनवर्स की वैल्यू कहाँ से पता चलेगा? 8। हाँ सर 8 दिया है। आपका यूनिट भी गड़बड़ है। हाँ सर वो मिलीमीटर स्क्वायर में दिया है उसका। नहीं पहले, हाँ वो देखते हैं, करके देखते हैं, मे भी मैच हो जाए। एफ इज इक्वल टू के इज वाई। हाँ ए ए का वैल्यू इतना है। बाई एल, और ये सेंटीमीटर स्क्वायर है तो उसको मिलीमीटर स्क्वायर में कन्वर्ट कर देते हैं। एल का वैल्यू दिया हुआ है 10 सेंट, नहीं dx इंटू डी एल। और आंसर कौन से यूनिट में दिया? सेंटीमीटर में दिया हुआ है। ठीक है, डीएल इज इक्वल टू डीएक्स अपॉन एम 100 प्लस x2, इसको इंटीग्रेट कर देंगे 0 से लेकर 10 तक। ये आ जाएगा 1/10 टेन इनवर्स एक्स बाई टेन 0 से लेकर 10। सर ये भी शायद ये आ वो जाएगा मतलब 5/40। सर, क्योंकि 1/100 टेन इनवर्स एक्स बाय टेन आता है और 0 से 100 आता है सर, क्योंकि उसने 10 सेंटीमीटर। नहीं वो एरिया तो कैंसिल हो गया ना, मैंने मीटर सेंटीमीटर में डाला, तो मैं डीएल भी सेंटीमीटर में आएगा, वो तो मैं तुमको बता दूंगा। ठीक है सर। 5/40 आंसर क्या दिया हुआ है? 88 दिया है। एक मिनट, इसको 5/40 का वैल्यू कितना आ रहा है? 8 दिया है आंसर तो। ये वैल्यू आ रहा है 7.8 × 10^-2। माइनस सी है। 80 दिया हुआ है कि 8 दिया हुआ है? 8 दिया है मेरा सर, वही तो बोल रहा हूँ। आपने ना वो गलत एक जगह, एक नीचे 1/100 आएगा सर, और वो टेन इनवर्स एक्स बाय टेन ऐसे आएगा, 1/100 क्यों क्योंकि आएगा? वो फोर्स भी मिलीमीटर स्क्वायर में है ना सर, तो पहले तो सब फोर्स मिलीमीटर। कभी
फोर्स न्यूटन में है, फोर्स को मैंने न्यूटन में रखा। गामा जो वाई का वैल्यू गिवन था ऊपर मिलीमीटर स्क्वायर में था, मैंने एरिया को भी मिलीमीटर स्क्वायर में कन्वर्ट कर दिया। हाँ, गामा मिलीमीटर स्क्वायर में, सॉरी, फोर्स लेंथ को, तो एरिया को मैंने मिलीमीटर स्क्वायर में कन्वर्ट कर दिया, तो मिलीमीटर स्क्वायर तो कैंसिल हो जाएगा दोनों ऊपर नीचे से, एरिया का भी और गामा का भी। लेंथ को मैंने सेंटीमीटर में लिया। मेरा कैलकुलेशन करने को मिस्टेक है तो अलग बात है। ठीक है सर, मैं मतलब ये अप्रॉक्सी लेना था इसमें। एनीवेज वो देख लेना, मैंने कुछ वो जीरो का गलती किया होगा, बट आ रहा है ना 8 तो आ रहा है ना नंबर, इसको 8 लिख देना। हाँ सर, हाँ। और क्या डाउट है? एक्सरसाइज 3 के पार्ट 2 का फोर्थ, एक्सरसाइज 3 पार्ट 2 फोर्थ। सर पहले इसी का फोर्थ वाला, सर पार्ट 2 फोर्थ एक्सरसाइज 2। अब रुको, अब मैं एक्सरसाइज 3 में आ गया। एक्सरसाइज 3 पार्ट 2 का फोर्थ। भाई प्रथमेश एक्सरसाइज 2 हो गई है क्या? उसने एक्सरसाइज 3 किया होगा मे बी। अच्छा अच्छा परसेंटाइल कितनी आई भाई? प्रथमेश सर मैंने इस बार नहीं दिया था फेब वाला, पेपर ही नहीं दिया। अरे छोड़ना, पढ़ने का टाइम है, पढ़ाई करते ना। अरे हाँ, अभी ये छोड़ो ना। सेम एलोंगेशन होगा ना, यहाँ पे भी टेंशन डब्ल्यू होगा, यहाँ पे भी टेंशन डब्ल्यू होगा, फोर्स सेम है तो एलोंगेशन भी सेम आएगा। आंसर यही दिया है ना, मतलब सेम एलोंगेशन। मतलब समझ में नहीं आ रहा था कि एलोंगेशन सेम कैसे होगा, क्योंकि अगर इस वायर को हम लोग मतलब ऐसा दूसरे फर्स्ट वाले केस में अगर देखेंगे तो दोनों साइड से फोर्स सेम आ रहा है ना, सेम होगा, स्ट्रेन सेम होगा तो एलोंगेशन सेम है। नहीं सर वो समझा नहीं मेरे को, आप समझा सकते क्या? समझा नहीं सर मेरे को, आप एक बार समझा सकते क्या? क्वेश्चन नंबर 4 ही पूछ रहे हो ना ये? हाँ यही पूछ रहा था मैं। अरे इसको सिस्टम मानेंगे तो इसमें W नीचे लग रहा है तो टेंशन भी W के इक्वल होगा, इसको सिस्टम मानेंगे इसमें भी W नीचे लग रहा है तो टेंशन भी W के इक्वल होगा, टेंशन दोनों में सेम आ गया तो स्ट्रेस सेम आएगा तो स्ट्रेन सेम आएगा तो एलोंगेशन सेम होगा। हाँ 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 सर समझा। और कुछ? और कोई डाउट है किसी? एक्सरसाइज 2 में पार्ट 2 का फोर्थ, अ थिन रिंग ऑफ रेडियस आर इज मेड ऑफ मटेरियल डेंसिटी एंड रिंग्स ये तो वो रिंग को जब घुमाते हैं तो उसमें टेंशन निकालने का कंसेप्ट है, ये साइड से आ चुका है क्या हमारा? ये लास्ट टाइम बताया था उससे हो जाएगा ना, अभी रिसेंटली बताया था। इसमें हम लोग रिंग का इस पार्ट को सिस्टम मान रहे हैं, छोटा सा एलिमेंट को, ये एलिमेंट सर्कल मोशन कर रहा है तो इसके पास एक्सेलरेशन टुवर्ड्स सेंटर होगा, ओमेगा स्क्वायर इनटू आर। अब इस पे नेट फोर्स टुवर्ड्स सेंटर तो टाइम ओमेगा स्क्वायर आर का कांसेप्ट लगा देंगे, तो नेट फोर्स टुवर्ड्स सेंटर लगा 2t sin थीटा इक्वल इसका मास हो जाएगा m by 2 pi into d theta।
इनटू ओमेगा स्क्वायर इनटू स्क्वायर रेडियस आ रहा है। साइन थीटा ऑलमोस्ट थीटा हो जाएगा, टू कैंसिल हो जाएगा, डी थीटा कैंसिल हो जाएगा, टू टेंस आ जाएगा एम ओमेगा आर बाय टू पाई। ये हम लोग अभी रिसेंटली बताया था मैंने तुम लोगों को। अब टेंशन आ गया तो स्ट्रेस आएगा, स्ट्रेस आएगा तो स्ट्रेन आएगा। स्ट्रेन निकालने के लिए वही एफ इज इक्वल टू के एक्स लगा देंगे, तो एफ इज इक्वल टू के, के विल बी वाई ए, जो कि इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया होगा, बाई एल जो कि टू इंटू डेल्टा एल। यहां से इसका लॉन्गेशन आ जाएगा एम ओमेगा स्क्वायर आर स्क्वायर बाई बाई इंटू ए। इसको टू पाई आर से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देते हैं, रेडियस का इंक्रीज पूछा, ठीक है ये ठीक है। अब यहाँ देखो मास है और ये वॉल्यूम है, ये डेंसिटी बन जाएगा रो ओमेगा स्क्वायर आर स्क्वायर इंटू टू पाई आर अपॉन वाई। अब ये जो लेंथ का इंक्रीज होगा ये बेसिकली उसको रेडियस का इंक्रीज से कैसे रिलेट करेंगे, पहले लेंथ था टू पाई इंटू आर, बाद में लेंथ हो जाएगा टू पाई आर प्लस डेल्टा आर। तो यहाँ से देखेंगे तो लेंथ कितना इंक्रीज हुआ, टू पाई डेल्टा आर। ये जो लेंथ इंक्रीज हुआ इसको टू पाई डेल्टा आर के इक्वल कर देंगे, यहाँ से डेल्टा आर हमारा आ जाएगा रो ओमेगा स्क्वायर आर क्यूब बाई वाई। आंसर क्या दिया आप? टू आ गया ना हमारा, ठीक है। ये हमने सीखा था टेंशन निकालना जब रिंग को रोटेट आते हैं, टेंशन आते इसको एफ टू के एक्स लगा दो, इसका लॉन्गेशन आ जाएगा। और फिर पहले लेंथ कितना था, बाद में लेंथ था, तो लेंथ कितना बड़ा, टू पाई डेल्टा आर। तो ये इंक्रीजिंग लेंथ को टू पाई डेल्टा आर लिख दो, यहाँ से डेल्टा आर आ जाएगा। सिंपल है, समझ गया। और कोई डाउट? क्या पढ़ लेते हैं, ये हमने काइनेटिक का एवरेज वैल्यू निकाला था जीरो से टाइम वन टाइम पीरियड तक। एक चीज़ और निकाल सकते हैं, काइनेटिक एनर्जी जो होता है वो होता है हाफ के ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। हमें फिर से निकालना है काइनेटिक एनर्जी का एवरेज वैल्यू, एवरेज वैल्यू को ऐसे रिनोट करते हैं जीरो से लेके, तो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन के डी एक्स अपॉन इंटीग्रेशन डी।
ये आ जाता है 1/3 के ए स्क्वायर। ये हमने काइनेटिक एनर्जी पढ़ा, काइनेटिक एनर्जी का वैल्यू 0 से टी तक 1/4 आता है और 0 से ए तक 1/3 आता है, अलग अलग आता है, ध्यान रखना पड़ता है। तो टाइम के रेस्पेक्ट में एवरेज वैल्यू निकाला है और ये डिस्प्लेसमेंट के रेस्पेक्ट में एवरेज वैल्यू निकाला है, तो अलग अलग चीज है। अब नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे पोटेंशियल एनर्जी। SHM में जो नेट फोर्स लगता है वो कितना होता है माइनस के इंटू एक्स, और ये जो F है ये नेट फोर्स है। इसमें mg वाला फोर्स, स्प्रिंग फोर्स, सारे फोर्स आ जाते हैं, इसलिए नेट फोर्स सारे फोर्स का सम है। तो पोटेंशियल एनर्जी का बेसिक जो डेफिनेशन था वो ये कि चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इज नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स। यहाँ पे ये कंजर्वेटिव फोर्स होता है SHM में जो नेट फोर्स आता है, यहाँ से हम पोटेंशियल एनर्जी निकालेंगे तो वो आ जाएगा kx into dx। अब इसको हम इंटीग्रेट कर लेंगे। यहाँ पे मीन पोजीशन को हम लोग रेफरेंस मानते हैं, मीन पोजीशन को रेफरेंस मानते हैं मतलब मीन पोजीशन का पोटेंशियल एनर्जी को हम लोग जीरो एज्यूम करते हैं, और एक जनरल पोजीशन है उसका पोटेंशियल एनर्जी यू मान लो। यहाँ से यू निकालेंगे तो वो आएगा हाफ के एक्स को, और एक्स का वैल्यू डाल देंगे SHM वाला तो वो आ जाएगा हाफ के स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी प्लस 5। ये SHM का पोटेंशियल एनर्जी आएगा। एक चीज ध्यान रखना, ये जो पोटेंशियल एनर्जी है ना, ये मैंने इस F का पोटेंशियल एनर्जी निकाला, और ये जो F है ये नेट फोर्स है, इसमें सारे फोर्स इंक्लूडेड है, mg, स्प्रिंग, जो भी फोर्स है सबका नेट है। तो ये जो पोटेंशियल एनर्जी है ना, ये सारे फोर्स का मिला के पोटेंशियल एनर्जी है, इसको हम लोग ऐसे चलो पोटेंशियल एनर्जी कहेंगे। मतलब अगर मैं ये पोटेंशियल एनर्जी लिख रहा हूँ ना, तो फिर मैं अलग से स्प्रिंग का पोटेंशियल एनर्जी नहीं लिखूंगा, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी नहीं लिखूंगा, क्योंकि सब इसी में इंक्लूडेड है, क्योंकि फोर्स में सब इंक्लूडेड है। तो जब SHM का पोटेंशियल एनर्जी लिखेंगे उसमें अलग से फिर ग्रेविटेशनल स्प्रिंग ये सब कुछ नहीं लिखेंगे। और अगर अलग से सबका अलग अलग पोटेंशियल एनर्जी लिख रहे हैं तो फिर SHM का पोटेंशियल एनर्जी नहीं लिखेंगे, क्योंकि दोनों एक ही चीज है, सारे पोटेंशियल एनर्जी को मिला के ये एक साथ लिखा हुआ है, या तो एक साथ पूरा लिख दो या फिर सब अलग अलग, एक साथ दोनों मत कर देना कि अलग से स्प्रिंग का पोटेंशियल एनर्जी भी दिखा रहा है, ग्रेविटेशनल भी दिखा रहा है और SHM का भी दिखा रहा है, वो गलत हो गया। ठीक है, ये जो पोटेंशियल एनर्जी इसमें ग्रेविटेशनल स्प्रिंग सब इंक्लूडेड है, तो अगर ये पोटेंशियल एनर्जी दिखा रहे हैं तो अलग से कुछ दिखाने की जरूरत नहीं है, किसी को कोई डाउट है? अब ये फॉर्मूला से देख रहा है कि पोटेंशियल एनर्जी जो मिनिमम आ रहा है वो मेन पोजीशन का आ रहा है और जीरो, और एक्स का वैल्यू को जीरो डाल देंगे, और मैक्सिमम एक्सट्रीम पोजीशन का आ रहा है जो कि हाफ की इस पर एक्स का वैल्यू को ये डाल लेंगे,
तो ये भी ध्यान रखना है कि एसएचएल में पोटेंशियल एनर्जी सबसे कम कहाँ पे होता है, सबसे ज्यादा कहाँ पे होता है। हो गया। नेक्स्ट है मैकेनिकल एनर्जी। इसको टोटल एनर्जी भी कहते हैं शॉर्ट में। सर एक बार पीछे वाला पेज दिखाएंगे क्या प्लीज? हाँ एक सेकेंड। अब ये जो मैकेनिकल एनर्जी है ये हो जाएगा काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला भी हमने डिराइव किया, पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला भी अभी हमने डिराइव किया। तो ये मैकेनिकल एनर्जी है हाफ के ए स्क्वायर। ये स्पेशल है, ये एक्स पे डिपेंड नहीं कर रहा, मतलब हर जगह का इतना ही होगा, तो ये कांस्टेंट आया है। कांस्टेंट आया मतलब ड्यूरिंग एसएचएम कोई भी पोजीशन ले लो हर जगह का मैकेनिकल एनर्जी सेम होगा। यहाँ का मैकेनिकल एनर्जी हाफ के ए स्क्वायर है, यहाँ का भी हाफ के ए स्क्वायर है, यहाँ का भी हाफ के स्क्वायर है, यहाँ का भी हाफ के स्क्वायर है, हर जगह का सेम रहेगा। अगर मैं ग्राफ ड्रॉ करूं तो पोटेंशियल एनर्जी देखो हाफ के एक्स स्क्वायर है, तो उसका ग्राफ जो होगा वो अपवर्ड पैराबोला होगा। ये है पोटेंशियल एनर्जी का ग्राफ। मैकेनिकल एनर्जी हाफ के ए स्क्वायर है जो कि हर जगह सेम है, उसका ग्राफ ऐसा आएगा स्ट्रेट। ये है मैकेनिकल एनर्जी टोटल एनर्जी, और काइनेटिक एनर्जी है हाफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो उसका ग्राफ आएगा डाउनवर्ड। इसका ग्राफ आएगा डाउनवर्ड पैराबोला। यह है काइनेटिक हो गया।
नेक्स्ट टॉपिक है SHM द प्रोजेक्शन ऑफ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। मान लो एक पार्टिकल है वो UCM का यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन और t इज इक्वल टू जीरो पे वो यहाँ पे था और वो ऐसे जा रहा है ओमेगा से, तो t इज इक्वल टू t पे वो यहाँ पे कहीं पहुंच जाएगा। अब ये ओमेगा से घूम रहा है और टाइम t हो गया, तो ये वाला जो एंगल होगा ये होगा ओमेगा इनटू टी। इसका रेडियस को एक बार ए एज्यूम कर लेते हैं या फिर आर एज्यूम कर लेते हैं, इसका रेडियस है। इस समय इसके पास वेलोसिटी टेंजेंशियल डायरेक्शन में होगा ओमेगा इनटू आर। इस समय इसके पास एक्सेलरेशन टुवर्ड सेंटर होगा ओमेगा स्क्वायर इनटू आर। ये हमारा x एक्सिस है ये हमारा y एक्सिस है। तो इस टाइम में इस पार्टिकल का अगर मैं x कोऑर्डिनेट देखूंगा ना तो वो x कोऑर्डिनेट आएगा, ये एंगल भी ओमेगा t होगा, ये भी एंगल ओमेगा टी आएगा। हाँ, जनरल टाइम टी पे इसका एक्स कोऑर्डिनेट इस ट्राइंगल से निकालूंगा तो इसका एक्स कोऑर्डिनेट आ जाएगा ए साइन ओमेगा टी। इसके पास जो वेलोसिटी है उसका भी मैं एक्स कंपोनेंट निकालूंगा तो इसका एक्स डायरेक्शन में जो वेलोसिटी आएगा वो आएगा ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी। इसका एक्सेलरेशन का भी अगर मैं एक्स डायरेक्शन में कंपोनेंट निकालूंगा तो इसका एक्सेलरेशन नेगेटिव एक्स डायरेक्शन में आ रहा है, इसके माइनस साइन आ जाएगा, उसका ये कंपोनेंट आएगा ओमेगा स्क्वायर ए साइन ओमेगा टी। और ये सब देखो SHM का इक्वेशन है। तो बेसिकली ये जब पार्टिकल UCM करता है ना तो उसका एक्स डायरेक्शन का जो कंपोनेंट है या फिर जो प्रोजेक्शन है उसका मोशन कैसा होता है SHM। सिमिलरली वाई डायरेक्शन का भी SHM होता है। जब पार्टिकल UCM करता है तो उस UCM का x डायरेक्शन में जो प्रोजेक्शन होता है कंपोनेंट होता है वो SHM करता है। सिमिलरली y डायरेक्शन में भी जो प्रोजेक्शन होता है वो भी SHM। किसी को कोई डाउट है? पार्टिकल जब UCM करता है तो उसका एक डायरेक्शन में जो कंपोनेंट है वो SHM है। मैंने तुम लोगों को फेस पढ़ा दिया क्या? हाँ सर। फेस बहुत इंपॉर्टेंट है। सो एक मिनट लिए पिक्चर पेज दिखाना। हाँ एक सेकंड।
हाँ सर लिख लिया सर। आवाज आ रही है? आवाज आ रही है? आ रही है सर। हाँ सर। एक सेकंड मेरा दिक्कत है। अब बताओ ये SHM का इक्वेशन है, इस पे फेस कितना है? ओमेगा टी। हाँ ओमेगा टी है। और इनिशियल फेस कितना है? जीरो। जीरो है मतलब इनिशियली ये पार्टिकल कहाँ पे था? मीन पोजीशन पे। वेरी गुड। इनिशियली पार्टिकल यहाँ पे था। अब जनरल टाइम टी में मान लेते कि ये पार्टिकल कहीं यहाँ पहुंच गया, इसका एक्स दिया हुआ है ए बाई टू है, ये टी टाइम पे पहुंचा, तो यहाँ से यहाँ तक पहुंचने में टाइम कितना लगा? ऑब्वियसली टी लगा, क्योंकि टी जीरो पे यहाँ था, टी स्कूल टी पे यहाँ पहुंच गया। अब ये यहाँ से यहाँ पहुंचा है तो हमें पता है कि यहाँ पे जब पहुंचेगा तो उसका फेज कितना होना पड़ेगा? पाई पाई बाई सिक्स, क्योंकि ए बाई टू का फेज फाइव बाई सिक्स होता है। तो ये जो फेज वाला टर्म है उसको यहाँ पे कितना होना पड़ेगा? फाइव बाई सिक्स। ओमेगा को हम लिख सकते हैं टू पाई बाई टाइम पीरियड। यहां से हमारा टी का वैल्यू आ जाएगा, वो आ जाएगा टी बाई ट्वेल्व। तो ये वो टाइम है जो पार्टिकल को यहां से यहां तक आने में लगा, जो कि है टी बाई ट्वेल्व। एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूँ, ये जो SHM है इसका इक्वेशन देख के समझ में आया कि इसका इनिशियल फेज जीरो है, मतलब इनिशियली ये मेन पोजीशन में था। और ये क्वेश्चन है यहाँ पे हमें निकालना है कि मेन पोजीशन से ए बाई टू तक पहुंचने में उसको कितना टाइम लगा। हम लोग पहले एज्यूम कर लेते कि मेन पोजीशन से ए बाई टू पहुंचने में उसको टी टाइम लग रहा है, तो जब वो ए बाई टू पे पहुंचेगा तब घड़ी में टाइम टी होगा। ए बाई टू का फेज हमें पता है फाइव बाई सिक्स है, तो ये फेज ही होता है, तो ये फेज को पाई बाई सिक्स के इक्वल कर दिया, ओमेगा को टू पाई बाई टाइम लिख दिया, इससे टी आ गया टी। तो ये जीरो से मेन पोजीशन से ए बाई टू तक पहुंचने का टाइम, ऐसे कोई भी टाइम निकाल सकते हैं। और इसको ना एक शॉर्टकट तरीके से याद रखा करो, जैसे SHM में मेन पोजीशन है ये ए बाई टू है, ए बाई रूट टू रूट थ्री ए बाई टू एंड ए,
सबका फेज हम याद रखेंगे, इसका फेज होता है पाई बाय सिक्स, इसका होता है पाई बाय फोर, इसका होता है पाई बाय थ्री और इसका होता है पाई बाय टू। मेन पोजीशन से यहाँ तक पहुँचने का जो टाइम होगा ना वो क्या होगा कि पाई की जगह टी आ जाएगा और नीचे टू एक्स्ट्रा मल्टीप्लाई हो जाएगा। मेन पोजीशन से ए बाय रूट तक का टाइम निकालना है तो पाई की जगह टी आ जाएगा और नीचे टू एक्स्ट्रा मल्टीप्लाई हो जाएगा। सिमिलरली पाई की जगह टी आ जाएगा, नीचे टू मल्टीप्लाई हो जाएगा, पाई की जगह टी आ जाएगा, नीचे टू मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये ऐसे शॉर्टकट पे याद रखोगे जल्दी हो जाएगा। ध्यान रखना ये टाइम से मीन से ही तक पहुंचने का, और कहीं से नहीं, मेन पोजीशन से ए बाय टू तक आया, मीन से ए बाय रूट टू तक आई है। तो सर जैसे कि सेंसर क्वेश्चन, एक पार्टिकल को मेन पोजीशन से रूट थ्री ए बाई टू तक पहुंचने में कितना टाइम लगेगा, अगर उसका टाइम पीरियड टी है, ये टाइम कितना होगा? टी बाई सिक्स, यहाँ का फेज पाई बाई थ्री होता है, टाइम हो जाएगा टी बाई सिक्स। अब एक्सट्रीम से रूट थ्री ए बाई टू पहुंचने में कितना टाइम लगेगा? एक्सट्रीम से रूट थ्री ए बाय टू पहुंचने में जो टाइम लगेगा उससे रूट थ्री ए बाय टू से एक्सट्रीम पहुंचने में लगेगा। अब ये टाइम हम लोग डायरेक्टली नहीं देख सकते हैं, तो हम वो एक शॉर्टकट लगा सकते हैं, हम यहाँ से यहाँ तक का टाइम निकाल लेते हैं जो कि हो जाएगा टी बाय फोर, यहाँ से यहाँ तक का टाइम निकाल लेते हैं जो कि हो जाएगा टी बाय सिक्स। तो ये वाला टाइम जो होगा वो बचा हुआ टाइम होगा टी बाय फोर माइनस टी बाय सिक्स, बस इसे आंसर आ जाएगा। रूट थ्री ए बाई टू से ए तक का कितना कैसे टाइम निकाला वो मुझे डायरेक्टली नहीं पता, तो मैंने मीन से ए तक का टाइम देखा, मीन से रूट थ्री ए बाई टू तक का टाइम देखा, इस दोनों का जो डिफरेंस आएगा वही रूट थ्री ए बाई टू से ए तक का टाइम होगा। ये टाइम कितना होगा?
2t/3 t/3 गड़बड़ लग रहा है शायद से। ये टाइम निकालने में भी बहुत मेहनत लगेगा, तो हम लोग एक शॉर्टकट लगा मतलब ऐसे कर देते, ये टाइम पहले निकाल देते, ये टाइम है t/12, ये टाइम भी निकाल लेते हैं, ये टाइम है t/6। अब टोटल टाइम में से इसको हटा देते हैं, ये टाइम हो जाएगा टोटल टाइम मतलब माइनस ये दोनों टाइम, t/4 डाउट है। नेक्स्ट, कोई भी इक्वेशन ना एसएचएम का इक्वेशन तब होता है जब वो सिर्फ साइन में होता है, यानी छोड़ो ये बात में करते हैं। जैसे एक ऑब्जेक्ट है उस पे नेट फोर्स लग रहा है -2 × x, मोशन एसएचएम होगा कि नहीं? हाँ सर होगा, मोशन एसएचएम होगा। और ये जो मैंने इक्वेशन दिया ना, ये कोई एसएचएम का इक्वेशन नहीं दिया, ये -2 × x दिया था, मतलब ये जो x होगा ना वो ओरिजिन से गिवन है। मोशन एसएचएम होगा तो मीन पोजीशन कहाँ पे होगा? ओरिजिन। मीन पोजीशन कहाँ पे होगा? मेन क्वेश्चन ओरिजिन पे होगा, क्योंकि ओरिजिन पे तो नेट फोर्स जीरो है, और मेन क्वेश्चन वहां होता है जहां पे नेट फोर्स जीरो है। अब अगर एसएचएम, अगर एक ऑब्जेक्ट पे नेट फोर्स इतना लग रहा है तो मोशन एसएचएम होगा कि नहीं? अगर एक ऑब्जेक्ट पे नेट फोर्स इतना ऐसे चल रहा, क्यों होगा ऐसे चल? ऐसे से मगर उसका मेन पोजीशन 2.0 से होगा। ऐसे से मगर उसका मेन पोजीशन कहीं और होगा, मतलब ऐसे से होने के लिए ऐसा इक्वेशन नहीं चलता। वैसे ऐसे से होने के लिए नेट फोर्स को -something × x ही आना चाहिए, सम कांस्टेंट इनटू x ही आना चाहिए, जहां पे x जो होता है वो फ्रॉम मेन पोजीशन होता है, ऐसा ही आना चाहिए। प्लस सम कांस्टेंट आ गया ना तो फिर वो एसएचएम नहीं होता है। लेकिन यहाँ पे तो एक्स ओरिजिन से है, हमें एसएचएम चेक करने के लिए मेन पोजीशन से रखना पड़ेगा, तो पहले तो हम लोग मेन पोजीशन ढूंढेंगे। मेन पोजीशन कैसे पता चलेगा? मेन पोजीशन वो होता है जहां पे नेट फोर्स जीरो होता है, तो वहां पे ये फोर्स जीरो होना चाहिए, यहाँ से x का वैल्यू आ जाएगा 2, मतलब मीन पोजीशन कहाँ पे है? यहाँ पे x = 2 पे मीन पोजीशन, ये मीन पोजीशन। अब मैं एक जनरल पॉइंट देता हूँ, अब SHM प्रूफ करने के लिए जो डिस्प्लेसमेंट होता है उसको मीन पोजीशन से लेना पड़ता है, तो मैं मीन पोजीशन से डिस्प्लेसमेंट लेता हूँ x, और ओरिजिन से मीन पोजीशन 2 डिस्टेंस पे है। ये जो x मैंने माना ना उसको मीन पोजीशन से माना, और ये जो x है ये तो ओरिजिन से, तो ये वाला x और ये वाला x सेम है क्या? एक बार फिर से बोलिए सर, क्या बोला आपने? ये दोनों x सेम नहीं है?
तो ये वाला एक्स जो है वो ओरिजिन से डिस्टेंस है, तो इस जनरल पॉइंट का ओरिजिन से डिस्टेंस कितना है यहाँ पे, 2 प्लस एक्स, मतलब इस वाले एक्स के जगह मैं वैल्यू क्या डाल दूंगा, 2 प्लस एक्स। मेरा जो नेट फोर्स आ जाएगा वो आ जाएगा माइनस 2, एक्स के जगह डाल दूंगा 2 प्लस एक्स प्लस 4। अब जो एक्स है वो मेन पोजीशन से है, ये वाला एक्स था ओरिजिन से डिस्टेंस, तो ये हमारा नेट फोर्स आ गया माइनस टू एक्स। अब देखो ये नेट फोर्स टू माइनस 17 एक्स आ गया, जहां पे एक्स मेन पोजीशन से, तो हाँ ये ऐसे जम होगा। तो ये भी SHM है, और इसमें ये जो कांस्टेंट टर्म आ रहे ना, ये क्या बता रहा है, ये बता रहा है कि मेन पोजीशन ओरिजिन पे नहीं है, थोड़ा शिफ्टेड है। SHM में नेट फोर्स पे कभी कांस्टेंट टर्म आ गया तो वो ये बताता है कि मेन पोजीशन ओरिजिन पे नहीं है, थोड़ा शिफ्टेड है। किसी को डाउट है? अब अगर मैं इसका SHM का इक्वेशन लिखूंगा तो वह ऐसा कुछ होगा, x इक्वल टू a साइन ओमेगा t प्लस फाइव, यहाँ पे ये x मेन पोजीशन से डिस्टेंस होगा। अब अगर मुझे ओरिजिन से लिखना है तो मेन पोजीशन तो शिफ्टेड है, उसको मैं यहाँ पे एक बार x नॉट मान लेता हूँ, तो ओरिजिन से डिस्टेंस देखूंगा तो कुछ ऐसा आ जाएगा, x नॉट प्लस a साइन ओमेगा t प्लस फाइव। अब यहाँ पे वाला जो एक्स आ रहा है ये फ्रॉम ओरिजिन से आ रहा है, तो ये एक्स वाली इक्वेशन भी कांस्टेंट टर्म क्या बता रहा है कि मेन पोजीशन ओरिजिन पे नहीं है, थोड़ा सा शिफ्टेड है। तो फिर x माइनस x नॉट करेंगे तो वो पूरा जो रहेगा मेन पोजीशन वो फिर ओरिजिन हो जाएगा ना? सर मतलब वो मेन पोजीशन को ओरिजिन पे लाने के लिए हम लोग x माइनस x नॉट कर देंगे तो वो हो जाएगा ना? हाँ सर। ठीक है, तो बस तुम लोग इतना याद रखते हैं कि SHM के इक्वेशन में कभी कांस्टेंट टर्म आता है f में भी x में भी, इसका मतलब मेन पोजीशन ओरिजिन से शिफ्टेड होता है। अब एक चीज और, एक ऐसे भी याद रखो, कभी भी कोई इक्वेशन ना साइन के टर्म में है तो फिर वो SHM का इक्वेशन है। अगर साइन के टर्म में नहीं है, और सिंगल साइन, हाँ सिंगल साइन टर्म होना चाहिए, अगर सिंगल साइन का टर्म नहीं है, कुछ और टर्म है उसको घुमा फिरा के अगर सिंगल साइन का टर्म बना पाएंगे तो भी वो SHM होगा। जैसे कि ये इक्वेशन, ये SHM का इक्वेशन है क्योंकि सिंगल साइन का टर्म है। अगर मैंने ऐसे दे दिया cos ओमेगा t, तो भी हम साइन बना सकते हैं, और इसको साइन बना सकते हैं साइन 90 प्लस t का, तो ये भी ऐसे चल रहा है। x इज इक्वल टू cos
स्क्वायर ओमेगा टी क्वाड्रेटिक में नहीं चलेगा, लीनियर टर्म होना चाहिए साइन का, वो भी सिंगल साइन होना चाहिए। अब कॉस स्क्वायर ओमेगा टी है, ये एसएचएम का इक्वेशन है कि ये वाला है, ये वाला भी है। कैसे एसएचएम है? यहाँ पे वो कॉस स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला लगा देंगे, वन माइनस कॉस टू थीटा बाय टू। अब ये क्वाड्रेटिक से लीनियर बन गया, फिर ये कॉस ओमेगा टू ओमेगा टी को हम लोग लिख सकते हैं साइन टू ओमेगा टी प्लस पाई बाय टू, ये सिंगल साइन का टर्म बन गया। तो ये भी एसएचएम का इक्वेशन है, x is equal to sine square omega t। इसको भी ऐसे से रीअरेंज करके एक सिंगल साइन का लीनियर टर्म बना सकते हैं, तो ये भी ऐसे चलो। x is equal to, हाँ एक चीज ध्यान रखना, ये जो SHM है इसका ओमेगा कितना है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी कितना है? ओमेगा है। और ये जो एसएचएम है इसका एंगुलर फ्रीक्वेंसी कितना आ रहा है? टू ओमेगा। अब इसमें कॉस स्क्वायर को कॉस टू थीटा बनाएंगे, कॉस टू थीटा को साइन टू थीटा बनाएंगे, तो यहाँ पे देखो टाइम के साथ टू ओमेगा मल्टीप्लाई हो रहा है, तो ए इक्वल टू कॉस स्क्वायर ना एसएचएम होता है, इसका एंगुलर फ्रीक्वेंसी कितना आता है? 2 ओमेगा। और यहां पे देखो साइन के साथ क्या टर्म मल्टीप्लाई हो रहा है, a बाय 2, तो इसका एम्पलीट्यूड कितना आ रहा है? a बाय 2। तो ये याद रखना, a cos स्क्वायर ओमेगा t दिया हुआ है, तो ये SHM है, इसका एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा नहीं है, 2 ओमेगा है, और इसका एम्पलीट्यूड a नहीं है, a बाय 2 है। तो याद सेम ऐसे x is equal to a sin omega t cos omega t, ये SHM का इक्वेशन है कि नहीं? हाँ सर है इक्वेशन। ये sin theta cos theta को sin 2 theta by 2 लिख देंगे हम, अब sin 2 theta by 2 लिख देंगे तो उसका एंगुलर फ्रीक्वेंसी कितना आ जाएगा? 2 omega, और एम्पलीट्यूड इसका भी कितना आ जाएगा? ये by 2। किसी को कोई डाउट है यहाँ पर? नहीं सर। नेक्स्ट क्या? हाँ जैसे x is equal to a sin omega t plus b cos omega t, ये SHM है, इसको सिंगल साइन बना सकते हैं। यस सर, यस सर, इसको सिंगल साइन बना सकते हैं। मैथ ट्रिग्नोमेट्री में तुम लोगों ने मैथ्स में सीखा होगा, अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे, हां उससे आ जाएगा। अब इसका एंगुलर फ्रीक्वेंसी कितना आएगा? ओमेगा आएगा सर। हाँ, और एम्पलीट्यूड कितना आएगा? अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी ये पूरा SHM होगा। नहीं सर।
ये सेक्शन नहीं होगा, तुम कुछ भी कर लो ये सिंगल साइन का टर्म नहीं बनेगा, ये सेक्शन नहीं होगा, कैसे भी कर लो सिंगल साइन का टर्म नहीं बन पाएगा यहाँ। यह सिस्टम होगा नहीं होगा, क्योंकि ये साइंस का रूम है ना, ये कॉस टू ओमेगा टी में कन्वर्ट होगा, कॉस टू ओमेगा टी और साइन टू ओमेगा टी को एक सिंगल साइन का टर्म बना सकते हैं, तो ये एसएचएम होगा, वो पूरा चेक करना पड़ता है ऐसा बना पाएंगे कि नहीं। अब नेक्स्ट, अब ये ऐसा बहुत सारे क्वेश्चन तुम लोगों ने लोगों को आ चुका होगा कि ऐसे प्रूफ करना है और टाइम पीरियड निकालना है, तो एक हम लोग निकालेंगे स्प्रिंग मास सिस्टम का, इसका हमें प्रूफ करना है कि ये एसएचएम करेगा और इसका टाइम पीरियड निकालना है, तो ये जिसको आता है ठीक है, जिसको नहीं आता बहुत अच्छे से सीखना है क्योंकि हर चैप्टर में इसका क्वेश्चन आता है। तो ये स्प्रिंग है और ये ब्लॉक है, हमें प्रूफ करना है कि ये सिस्टम एसएचएम करेगा और इसका टाइम पीरियड निकालना है। तो प्रूफ करने का जो पहला स्टेप होता है वो ये होता है कि मीन पोजीशन फाइंड करना है, मीन पोजीशन कैसे फाइंड करते हैं, जहां पे नेट फोर्स जीरो होता है, तो हम लोग देखेंगे कि इस ब्लॉक पे नेट फोर्स कब जीरो होगा, इस ब्लॉक पे नेट फोर्स कब जीरो होगा, जब स्प्रिंग नेचुरल लेंथ में रहेगा, क्योंकि इस पर स्प्रिंग के फोर्स लगा रहा है, तो स्प्रिंग नेचुरल लेंथ में रहेगा, नेट फोर्स जीरो होगा, नेट फोर्स जीरो होगा, तो ये मीन पोजीशन होगा। ऐसे जब प्रूफ करने का पहला स्टेप मीन पोजीशन फाइंड करो, फिर दूसरा स्टेप मीन पोजीशन से डिस्प्लेस करो ब्लॉक को, इस तरफ डिस्प्लेस किया उसको पॉजिटिव डायरेक्शन मानो, और फिर इसका एफबीडी ड्रॉ करो, मेन पोजीशन से एक्स डिस्प्लेस किया, अब इसका एफबीडी ड्रॉ करेंगे तो इस पे स्प्रिंग फोर्स लगाएगा क्योंकि स्प्रिंग एलोंगेट हो गया, और स्प्रिंग कितना फोर्स लगाएगा, के इंटू एक्स, फिर नेट फोर्स कितना है लिख दो विथ साइन कन्वेंशन, राइट को पॉजिटिव मानना है, ये फोर्स नेगेटिव डायरेक्शन में है, तो नेट फोर्स हम कितना लिखेंगे, माइनस के इंटू एक्स। अब अगर नेट फोर्स इक्वल टू माइनस सम कांस्टेंट इंटू एक्स आ गया तो फिर वो एस एच एम है, नहीं आया तो फिर एस एच एम नहीं है, तो यहाँ पे आ गया तो एस एच एम है, प्रूफ हो गया कि एस एच एम हुआ है। और फिर इसका टाइम पीरियड कितना होगा, टाइम पीरियड हो जाएगा टू पाई अंडर रूट ऑफ एन बाई के, यहाँ पे के मतलब तो ये कांस्टेंट टर्म आ रहा है, जो कि फिलहाल तो के आ रहा है, हमेशा के नहीं आएगा, कभी टू के आ जाएगा, कभी के बाई टू आ जाएगा, उसका टाइम पीरियड इतना हो जाएगा। सर वो मीन पोजीशन से डिस्प्लेस करने के बाद क्या करना है वो बताइए। ऐसे जब प्रूफ करना है तो पहला स्टेप पे मीन पोजीशन कहाँ पे ढूंढो, दूसरा स्टेप पे मीन पोजीशन से एक्स डिस्प्लेस करो, इस तरफ डिस्प्लेस किया उसको पॉजिटिव मानो, एफबीडी बनाओ, नेट फोर्स लिख दो, नेट फोर्स इक्वल टू माइनस सम कांस्टेंट इनटू एक्स आ गया तो वो ऐसे चल रहा है, नहीं आया तो वो ऐसे चल नहीं है, वो जो कांस्टेंट वाला टर्म है वो हमारे लिए के होगा, भले वो कुछ भी आए। हाँ सर समझे, मैं बहुत सारे एग्जांपल करेंगे हम इसका। एक और मेथड है जिसको हम कहते हैं एनर्जी मेथड,
मैं ये एनर्जी मेथड बहुत रेयरली यूज करता हूँ, पर तुम लोग कर सकते हो। फिर से हम लोगों ने मेन क्वेश्चन ढूंढ लिया, नेचुरल लेंथ नहीं होगा। अब ये मान लेते कि ऑब्जेक्ट ऑसिलेट कर रहा है, और ये जब यहाँ पे था मेन पोजीशन से एक्स डिस्प्लेस्ड, उस समय इसका वेलोसिटी कुछ होगा। तो एनर्जी मेथड में क्या करते हैं, एक कोई भी जनरल पोजीशन का हम लोग टोटल एनर्जी लिखते हैं। यहाँ पे इसके पास एक तो होगा काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी स्क्वायर, एक होगा स्प्रिंग का पोटेंशियल एनर्जी हाफ के एक्स स्क्वायर, और ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी नहीं आएगा क्योंकि एक्स डायरेक्शन में हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में मूव कर रहा है। हमें पता है कि ड्यूरिंग दिस मोशन इसका टोटल एनर्जी तो कॉन्स्टेंट रहता है, तो टोटल एनर्जी जो भी आएगा वो कॉन्स्टेंट आ जाएगा। अब इसको डिफ्रेंशिएट करना है विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। इसको जब x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो हाफ एम बाहर आ जाएगा, v स्क्वायर का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में वो हो जाएगा 2v dv/dx प्लस हाफ के बाहर आ जाएगा x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में जो कि 2x आ जाएगा, और कांस्टेंट टर्म का डिफरेंशिएशन 0 आ जाएगा। ये जो v dv/dx आ रहा है ये हमारा एक्सेलरेशन होता है। यहां से ए निकाल लेना, वो यहां पे आ रहा है माइनस के बाई एम इंटू एक्स, और इसको फिर अंडर रूट करके होल स्क्वायर बना देता हूं। तो देखो हमारा जो एक्सलेशन आ गया वो माइनस समथिंग का स्क्वायर इंटू एक्स आ गया। अगर ऐसा आ गया तो फिर वो ऐसे चलना, और इसका ओमेगा कितना हो जाएगा अंडर रूट ऑफ के बाई एम। एनर्जी मेथड में क्या करते हैं, ऑब्जेक्ट जब ऑसिलेट कर रहा है तो एक जनरल पोजीशन में उसको रखो, उसका जनरल डिस्प्लेसमेंट देखो, वेलोसिटी देखो, तो यहाँ पे इसका टोटल एनर्जी लिख दो। इसके पास फिलहाल यहाँ पे दो एनर्जी है, काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी, तो टोटल एनर्जी हमेशा कॉन्स्टेंट होता है। उसको एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दो, डिफरेंशिएट करने के बाद v dv/dx का टर्म आएगा उसको ये लिख दो, तो एक्सेलरेशन आ जाएगा। अगर वो माइनस समथिंग इनटू एक्स आ गया नहीं आया तो नहीं। किसी को डाउट है? नहीं सर। अब ये सेम मेथड यूज करके यहाँ पे भी हम प्रूव करेंगे, ये भी मैं ही बता देता हूँ। फिर से प्रूफ करना है कि एसएचएम करेगा और उसका टाइम पीरियड निकालेगा। तो फिर से हम लोग मेन पोजीशन ढूंढेंगे। मेन पोजीशन में नेट फोर्स जीरो होता है। अब यहाँ पे ऑलरेडी एक फोर्स लग रहा है एमजी, तो उसको बैलेंस करने के लिए स्प्रिंग को एलोंगेटेड रहना पड़ेगा। तो स्प्रिंग यहाँ पे एलोंगेटेड है, मतलब स्प्रिंग नेचुरल लेंथ में कब रहेगा
कहीं ऊपर कहीं रहेगा। नेचुरल इनसे पोजीशन का डिस्टेंस हम लोग एक्स नॉट मान लेते हैं, मीन पोजीशन में स्प्रिंग एलोंगेटेड रहना पड़ेगा। अब यहाँ पे इसका एफ बी डी बनाएंगे तो नीचे एम जी लगेगा, ऊपर के एक्स नॉट लगेगा। अब क्योंकि ये मीन पोजीशन है तो यहाँ पे नेट फोर्स जीरो होना चाहिए, मतलब के एक्स नॉट को एम जी के इक्वल होना चाहिए। यहाँ से हमारा एक्स नॉट आ जाएगा एम जी बाई के। यहाँ तक तो मैंने सिर्फ मीन पोजीशन ढूंढा। अब सेकेंड स्टेप करेंगे, मेन पोजीशन से एक्स डिस्प्लेस करेंगे, जिस तरफ डिस्प्लेस करेंगे उसको पॉजिटिव डायरेक्शन मानेंगे। मैंने डिस्प्लेस कर दिया, जिस तरफ डिस्प्लेस किया उसको पॉजिटिव डायरेक्शन मान लिया। फिर इसका एफ बी डी बनाएंगे, इसके एफ बी डी में एक एंटी फोर्स लगेगा और एक स्प्रिंग फोर्स लगाएगा। स्प्रिंग फोर्स लगाता है के इंटू एक्स, उसमें एक्स उसका एलोंगेशन होता है। जब ब्लॉक यहाँ पे ना तो देखो स्प्रिंग नेचुरल लेंथ से एक्स नॉट प्लस एक्स एलोंगेटेड, तो स्प्रिंग फोर्स आ जाएगा के एक्स नॉट प्लस एक्स। तो मैंने एफबीडी बना लिया, अब मैं नेट फोर्स लिखूंगा तो नेट फोर्स आ जाएगा, फिर साइन कन्वेंशन डाउनवर्ड डायरेक्शन को पॉजिटिव मानना है, तो नेट फोर्स आ जाएगा एम जी माइनस के एक्स नॉट प्लस एक्स। तो ब्रैकेट को ओपन कर देंगे, mg और kx not to equal है, कैंसिल हो जाएगा, ये आ गया नेट फोर्स को माइनस k into x, नेट फोर्स को मैं सम कांस्टेंट into x आ गया, ये ऐसे चेंज होगा और इसका टाइम पीरियड हो जाएगा 2 पर अंडर रूट m by the constant जो आ रहा है। सेम स्टेप रिपीट किया, पहले मेन क्वेश्चन ढूंढा, एक्स डिस्प्लेस किया, एम बी डी बनाया, नेट फोर्स लिखा, तो माइनस सब कॉन्स्टेंट इनटू एक्स आ गया, तो ऐसे चेंज होगा, नहीं आया तो ऐसे चेंज होगा। किसी को डाउट है? कॉपी ओके? यस सर। नो सर, नो डाउट सर। अब ना इसको मैं एक और मेथड से सॉल्व करता हूँ। मैं जनरली ये मेथड यूज़ नहीं करता हूँ, ये बहुत लेंथी पड़ता है। ये मेथड बेसिकली ये है कि मीन पोजीशन में अगर देख फोर्स को देखें ना तो एम जी लग रहा है और के एक्स नॉट लग रहा है, ये दो फोर्स मीन पोजीशन में लग रहा है, और ये क्योंकि मीन पोजीशन है तो ये एक दूसरे को कैंसिल आउट कर रहा है। अब देखो डिस्प्लेस किया ना उसके बाद भी एम जी फोर्स लग रहा है और के एक्स नॉट फोर्स लग रहा है। अब ये अगर मेन क्वेश्चन में एक दूसरे को कैंसिल कर रहे हैं तो यहाँ पे भी तो कैंसिल ही करेंगे। मेन क्वेश्चन में जो फोर्स लग रहा था ना वो बाद में भी लग रहा है, वो मेन क्वेश्चन में एक दो कैंसिल कर रहे थे तो बाद में भी कैंसिल कर देंगे, तो बाद में मैं वो फोर्स दिखाऊंगा ये, क्योंकि मुझे पता है वो कैंसिल होने वाले हैं। बाद में ना मैं सिर्फ वही फोर्स दिखाऊंगा जो डिस्प्लेस करने की वजह से एक्स्ट्रा आया, एक्स्ट्रा फोर्स जो डिस्प्लेस करने की वजह से। जैसे कि सेम क्वेश्चन दूसरे मैटर से सॉल्व कर रहा हूं,
ये स्प्रिंग है, ये ब्लॉक है और ये इसका नी पोजिशन है। अब यहाँ पे इसके पास एम जी फोर्स लग रहा है, स्प्रिंग फोर्स लग रहा है और ये दूसरे को कैंसिल कर रहा है। अब जब मैं डिस्प्लेस करूंगा ना तो भी वो पुराना वाला एम जी और पुराना वाला स्प्रिंग फोर्स तो अभी भी लग रहा है, तो ये आप एक दूसरे को अभी भी कैंसिल करेंगे। डिस्प्लेस करने की वजह से एक्स्ट्रा फोर्स क्या आया? अब देखो डिस्प्लेस करने के एक्स डिस्प्लेस किया, इसके वजह से एम जी तो पहले भी था अभी भी है, स्प्रिंग फोर्स भी पहले भी था अभी भी है, बट स्प्रिंग फोर्स एक एक्स्ट्रा टर्म आ गया। पहले तो के एक्स नॉट था, अब स्प्रिंग फोर्स में के एक्स का एक एक्स्ट्रा टर्म आ गया या फिर स्प्रिंग फोर्स चेंज हो गया। तो डिस्प्लेस करने की वजह से एक्स्ट्रा कितना स्प्रिंग फोर्स आया वो है के इंटू एक्स। ये एक फोर्स है जो डिस्प्लेस करने की वजह से एक्स्ट्रा आया, बाकी फोर्स तो वही पुराना वाला है मेन पोजीशन वाला, तो वो मेन पोजीशन में कैंसिल कर रहे थे, यहाँ पे भी कैंसिल कर रहे थे। मैंने सिर्फ एक्स्ट्रा फोर्स दिखाया जो डिस्प्लेस करने की वजह से आया, और फिर मैं नेट फोर्स लिख दूंगा वो माइनस के इनटू एक्स आ गया, टाइम के भी आ जाएगा, तो बहुत ईजीली सॉल्व हो गया। इसमें मैंने वो सारे फोर्सेस नहीं दिखाए, मुझे पता है वो कैंसिल होने वाला है। सर आपने जो निकाला एफ एम जी इज इक्वल टू के एक्स नॉट, फिर आपने उसी के हिसाब से जब डिस्प्लेस किया तो उन दोनों फोर्स को कैंसिल कर दिया और फिर हमको एक्स्ट्रा फोर्स के एक्स है। तो सर अभी जब हम लोगों ने डिस्प्लेस किया तो हम लोगों ने एक्स्ट्रा फोर्स लगाया तो वो अभी एम जी के इक्वल नहीं रहा ना? एक्स्ट्रा फोर्स लगाया तो फिर वो एम जी नहीं रहेगा ना सर? देखिए वो सर वो हम लोग आपने जैसे कि आप पिछले वाले स्लाइड में जाइए ना सर, मुझे सुनाई नहीं दे रहा, लाउडली बोलो ना। सर मैं बोल रहा हूँ कि जो हम लोगों ने एक्स डिस्प्लेस किया तो एक एक्स्ट्रा फोर्स से हम लोगों ने डिस्प्लेस किया ना, तो फिर वो एम जी थोड़ी रहेगा। फोर्स से हमने डिस्प्लेस नहीं किया है, डिस्प्लेस तो मान लो एक्चुअली ऐसे बोल रहा हूँ कि हम डिस्प्लेस तो अपने आप हो रहा है, वो ऑसिलेट कर रहा है। जब वो एक्स डिस्प्लेस था तो उस पर एक्स्ट्रा क्या फोर्स है मेन पोजीशन के अलावा डिस्प्लेस होने की वजह से? अच्छा अच्छा सर समझा, हम डिस्प्लेस ही करते हैं वो अपने ऑसिलेट करते रहते हैं। जब मेन पोजीशन से एक्स डिस्प्लेस था तो वो डिस्प्लेस की वजह से एक्स्ट्रा फोर्स है। हाँ सर समझा, ये वही है। देखो मैंने सारा फोर्स लिया तो भी मुझे पता है कि डिस्प्लेस करने के बाद ये तो कैंसिल होने वाले हैं, मैं क्यों फिर वापस लिख के कैंसिल करूँ? मुझे पता है ऑलरेडी वो कर रहे हैं। हाँ सर समझा, मेरे को लगा कि वहाँ पर वो एक कोई एक्स्ट्रा फोर्स भी आया एम जी के साथ इसलिए। नेक्स्ट है एनर्जी मैटर्ड। एनर्जी मैटर तुमको ऑलरेडी मैंने बता दिया, यहाँ पे भी यूज कर सकते हैं। ये मान लो मेन पोजीशन है और ये मान लो नेचुरल लेंथ है और ये डिस्टेंस को मान लो एक्स नॉट है। ये हम लोगों ने अभी निकाला था फोर्स बैलेंस करके एम जी वाई किया है। अब ये जो मेन पोजीशन है ना इसको हम लोग ग्रेविटेशनल पोटेंशियल लिखने के लिए रेफरेंस पॉइंट मान लेते हैं। अब यहां से मैं इसको एक्स नीचे रख के जाता हूं, मतलब ये ऑसिलेट कर रहा है और जब ये एक्स नीचे है तो उस समय इसके पास कुछ वेलोसिटी होगा भी, उसका टोटल एनर्जी लिखते हैं। इसके पास यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी होगा आप एम स्क्वायर, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी होगा माइनस एम जी इंटू एक्स क्योंकि नीचे की तरफ है, और स्प्रिंग के पास पोटेंशियल एनर्जी होगा हाफ के एक्स प्लस एक्स नॉट का स्क्वायर या फिर एक्स नॉट प्लस एक्स का स्क्वायर, क्योंकि स्प्रिंग का एलोंगेशन एक्स नॉट प्लस एक्स है, और ये पूरा टर्म कॉन्स्टेंट रहेगा। ये ऑसिलेट कर रहा है जब ये मेन पोजीशन से एक्स डिस्प्लेस्ड है, उस समय इसका मैंने टोटल एनर्जी लिखा काइनेटिक ग्रेविटेशनल पोटेंशियल स्प्रिंग पोटेंशियल, और वो कांस्टेंट होगा। बस इसको फिर से एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर देंगे,
mg और kx not to equal हमें पहले से पता है, यहां से हमारा a आ जाएगा। अब यहां से समझ में आएगा कि हाँ ये एसएचएम करेगा और ये वाला इसका ओमेगा स्क्वायर होगा, यहां से हमारा टाइम पीरियड आ जाएगा 2 पाई बाय ओमेगा। इस बटन तो पूछ लो, कुछ होमवर्क करोगे नेक्स्ट क्लास के लिए? मैंने एसएचएम का कुछ होमवर्क नहीं दिया ना, मैं एसएचएम कर देता हूँ। तो स्प्रिंग का सीरीज कॉम्बिनेशन, पैरेलल कॉम्बिनेशन ये सब पढ़ा दिया ना? हाँ सर, आपने एनएलएम में पढ़ाया था। हाँ, स्प्रिंग को कट करेंगे तो वो भी पढ़ा दिया ना?